हैदराबाद में भी कोरोना केसेस और अमवात में इजाफे की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। 1600 से ज्यादा केसेस के बाद तशवीशनाक हालत में आने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ गई और 20 में से सिर्फ 2 वेंटिलेटर्स मरीजों से खाली रह गए। अभी जो हमारे पास हैदराबाद में है 40 बेड का, जिसमें 20 बेड हमारा आईसीयू, जिसमें हमारे पास तकरीबन 20 वेंटिलेटर हैं और 20 बेड का हाई डिपेंडेंसी यूनिट, वो हमारे पास अभी काम कर रहा है। वो तकरीबन उसकी हालात ये है कि कल हमारे पास तकरीबन फुल हो गया था, आज हमारे पास सिर्फ 2 बेड एचडीयू में खाली हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रश है और कितना लोड है। लेकिन जो हमारी जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, ये तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट को देख रही है ना। अभी हम दूसरा जो सेटअप बना रहे हैं वो हम जामशोरों में 64 बेड का एचडीयू, हम जामशोरों वो प्रोसेस में इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर वो हमारा बन जाएगा जामशोरों का एचडीयू। माहिरीन के मुताबिक जहाँ भाग होने वाले और ज्यादा तशवीशनाक हालत में आने वाले अफराद उम्र रसीदा और पहले ही मुख्तलिफ अमराज में मुब्तिला हैं, जबकि 700 से ज्यादा अफराद सही हालत में घरों में करंटीना में हैं। सिविल अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए भी कोरोना का कामयाबी से इलाज जारी है, जहां 21 अफराद को प्लाज्मा लगाया गया है, जिनमें से 8 सेहतियाब, 3 जाँ भाग और 10 अफराद जेरे इलाज हैं। 150 टोटल एडमिशन थी, उनमें से 21 क्रिटिकल पेशेंट्स को हमने प्लाज्मा एडमिनिस्टर किया। 21 में से अल्हम्दुलिल्लाह 10 पेशेंट तो जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल हेल्दी हैं, हमारे पास ही हैं, अंडर ट्रीटमेंट हैं। 8 पेशेंट नेगेटिव होकर डिस्चार्ज हो गए, दे वर वेरी क्रिटिकल, लेकिन प्लाज्मा का रिजल्ट बहुत अच्छा साबित हुआ, 8 पेशेंट उनमें से हेल्दी होकर चले गए। प्लाज्मा देने के बावजूद इन 21 पेशेंट्स में प्लाज्मा देने के बावजूद भी 3 पेशेंट्स हमारे जो है वो तकरीबन अराउंड 3 पेशेंट हमारे डेथ हुई है उनकी, और हम अनफॉर्चुनेट रहे इसमें कि उन 3 में से भी 2 पेशेंट नेगेटिव हो चुके थे। प्लाज्मा डिड इट्स जॉब। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स महदूद वसाइल के बावजूद बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन 2 तरह की इंतजामिया होने की वजह से कई मामला बिगड़ रहे हैं जिन पर काबू पाना ज़रूरी है। डे बाई डे केसेज आ रहे हैं, केसेज इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ हम इनिशियली उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिचुएशन ग्रेव है। सिविल हॉस्पिटल्स में, दूसरी में, सब जगह सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। हमारे यहाँ यूँ है कि जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें प्रोफेसर्स जो हैं वो देख रहे हैं, लेकिन ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, और सिंध की जो भी दर्जगाहें हैं उसमें जो भी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। शहरियों का YSPK.net से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि लॉकडाउन से कोरोना केसेस का फैलाव रोका जा सकता है। इतने खास इंतजाम नहीं है, लोग जो है कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ये जब इस वजह से कोरोना बढ़ गया है, हमें चाहिए कि इसे एहतियात करें और इससे जो है जो SOP हुकूमत ने बनाया है उस पर अमल करें ताकि इससे हम बच सकें। कोरोना के हवाले सारे पेशेंट रुल रहे हैं, जब यही छोटी बीमारी नज़ला खांसी के पेशेंट मुतमईन नहीं है तो कोरोना खाक मुतमईन होगा। दूसरा ये लॉकडाउन के हवाले से अगर बात की जाए तो लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बेहतर है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि आवाम बिल्कुल भी SOPs पर अमल नहीं कर रहे। हैदराबाद के डॉक्टर्स का कहना है कि आवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बसूरत दीगर अस्पतालों में जगह कम पड़ सकती है। मोहम्मद अम्माद, YSPK.net, हैदराबाद।